एनटीपीसी सिंगरौली में संविदा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन। भारत सरकार की कौशल विकास पहल की गति प्रदान करने के लिए एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर में कर्मचारी विकास केंद्र के सौजन्य से विद्युत ग्रामीण रसायन विभाग में कार्यरत 92 संविदा कर्मियों के विकास के लिए 3 दिवसीय आयोजित कार्यशाला का भव्य समापन किया गया। इस संविदा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की शुरुआत दिलीप कुमार पटेल, निदेशक एनटीपीसी लिमिटेड के दिशा निर्देश अनुसार एनटीपीसी लिमिटेड के सभी स्टेशनों में की गई। इस संविदा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण पहल का उद्घाटन दिलीप कुमार पटेल द्वारा एनटीपीसी सोलापुर में किया गया। मेरा नाम बादल कुमार मिश्रा है, मैं एनटीपीसी रसायन विभाग के केमिकल स्टोर में एचएसडब्ल्यू के पद पर कार्यरत हूँ। सर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि मैं केमिकल स्टोर में कार्यरत हूँ, तो जब कोई इंसान एक ही साइट पर जब कार्य करता है तो वह बस उसी साइट के बारे में ही एक्सपर्ट हो पाता है। क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन के दौरान हमने क्या हुआ कि अपने केमिस्ट्री साइट के जितने भी लोकेशन थे, हमारे केमिस्ट्री साइट में टोटल 10 जोन हैं, जैसे कि केमिकल हाउस, सीडब्ल्यू पोल्यूशन प्लांट, ट्रैक हॉपर, डीएम प्लांट स्टेज 1, पीटी प्लांट स्टेज 1, डीएम प्लांट स्टेज 2, पीटी प्लांट स्टेज 2, हमारे स्वास्थ्य लैब, इन सभी साइट पर कौन कौन से हमारे कार्यरत हमारे जो काम होते हैं, जो भी हमारे आउटलाइन होती है, इस ट्रेनिंग के दौरान हमें जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही साथ में हमारे एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ, जैसे एनटीपीसी की स्थापना जो हमारा इतिहास है एनटीपीसी का, इस ट्रेनिंग में उसकी भी जानकारी मिली कि हमारा एनटीपीसी का जो हमारा स्थापना हुआ 7 नवंबर 1975 को हुआ। उसके बाद 1982 में हमारे एनटीपीसी की फर्स्ट यूनिट जो हुई थी वो सिंक्रोनाइजेशन किया गया था। देन मई 2010 में हमारे एनटीपीसी का वो महारत्न कंपनी का ये दर्जा प्राप्त हुआ। ट्रेनिंग में हमको ये भी पता चला कि महारत्न कंपनी को बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया बनती हैं। इस साथ के साथ हमें ट्रेनिंग में जो भी चीज़ें हमारे साइट पर जो भी कार्य होते हैं, अब हमको इससे बेनिफिट ये हुआ सर कि हम जो भी चीज़ें जो भी साइट पर कार्य कर रहे हैं, हम किसी भी साइट पर जाएंगे काम करने में हम बहुत ही आसानी से उसको सीख सकते हैं। इसके लिए मैं अपने एनटीपीसी के सभी अपने अधिकारीगण का शुक्रिया करता हूँ, और साथ ही साथ हमारे जो ट्रेनिंग के लिए हमारी जो सुविधाएँ दी गई उसके लिए भी थैंक यू करता हूँ। धन्यवाद।